जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। राहु और केतु को ज्योतिषी में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के जो शरीर सिर वाला हिस्सा होता है शरीर का, वह भाग राहु कहलाता है, जबकि जो धड़ वाला हिस्सा होता है, धड़ वाला भाग होता है, केतु कहलाता है। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब इन दो ग्रहों का जिक्र होता है तो लोग भयभीत हो जाते हैं। राहु और केतु का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि जो होगा बुरा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अन्य ग्रहों की तुलना में राहु और केतु बेहद ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं। इन दोनों ही ग्रहों का गोचर 1.5 साल बाद होता है और ये हमेशा बकरी चाल में चलते हैं, अर्थात पीछे की तरफ चलते हैं। धीमी चाल में चलने के कारण ये दोनों ही ग्रह करीब 1.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं। अभी हाल ही में यानी अप्रैल के महीने में राहु ग्रह का मेष राशि में गोचर हुआ था, जिसका प्रभाव 12 राशियों पर एक साथ देखने को मिला था। और ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें एक साल तक राहु का आशीर्वाद मिलने जा रहा है? राहु ग्रह की मेहरबानी से इन राशियों के जो जातक हैं, जीवन में तरक्की, पैसा, अच्छी सेहत इत्यादि प्राप्त होने की इन्हें बहुत ही अच्छी संभावना है। जैसे वृषभ राशि, राहु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी तरक्की के रास्ते खोलने जा रहा है। इस दौरान जातकों को विदेश से भी धन प्राप्त होने की संभावना है, साथ ही विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। नौकरी पेशा वाले जातकों को प्रमोशन मिलेगा और अच्छा इंक्रीमेंट होने का संकेत है। इसके अलावा इस राशि के जो लोग हैं राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीति में अपना कदम आजमाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद ही अनुकूल है। आपका सपना पूरा हो सकता है, लव लाइफ शानदार रहने वाली है, छात्रों को भी सफलता मिल सकती है, सफलता मिलने के पूरे पूरे योग हैं। और राहु कर्क राशि के जातकों पर 1 साल तक मेहरबान रहने वाले हैं। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ा पद मिल सकता है। नौकरी की तलाश अब समाप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। नौकरी बदलने के लिए भी शुभ संकेत हैं। इस राशि के व्यापारी जातकों को कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। निवेश में विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। जातक यदि नया घर, नई गाड़ी या जेवरात खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय, अनुकूल समय है। आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं, आपको अवश्य सफलता मिलने वाली है और जो कार्य करेंगे आप उसमें आपको बेस्ट रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। राहु गोचर को जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जिस राशि को, उसमें मिथुन राशि भी शामिल है। इस राशि के जातकों का जीवन कैरियर और आर्थिक जीवन के लिहाज से बेहतर होने वाला है। इस दौरान राहु ग्रह आपके लिए सफलता लेकर आए हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और कार्य क्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी। कई अन्य माध्यम से धन आएगा। छात्रों और व्यापारियों को भी विशेष लाभ मिलने की संभावना है। इस राशि के जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उन्हें भी राहु ग्रह की कृपा मिलेगी और आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल सकता है। ऐसे में कुल मिलाकर मिथुन जो जातक हैं, मिथुन राशि के जातक हैं, जीवन में तरक्की के लिए तैयार रहें। यदि आपकी भी इन राशियों में से कोई सी राशि है दोस्तों, तो आप अवश्य जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाएं, खुश होने के लिए तैयार हो जाएं। ये समय आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। राहु की कृपा, राहु का आशीर्वाद आप पर प्राप्त होने वाला है। जितने ही कुल ग्रह हैं, जितने ही इन्हें दुष्ट ग्रहों में गिना जाता है, लेकिन जिस पर मेहरबान होते हैं तो उनके यहाँ भी कमी नहीं छोड़ते, हमेशा उनके यहाँ जब तक उन पर खुश होते हैं खुशहाली देते हैं। ओम नमः शिवाय।